फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पेगेटी। बच्चों को अगर सब्जियां खिलानी हो तो इससे बढ़िया कोई और रास्ता नहीं है, और ये बनती भी बहुत आसानी से है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके ऊपर अगर चीज़ डाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया लगती है। तो रेसिपी को देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर दिया है, अब डालेंगे स्पेगेटी। इसको हम तोड़कर नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे। इसको अलदांते कुक करना है, मींस 80% कुक करना है। एक बार हिला लेते हैं, जब तक स्पेगेटी पकती है तब तक हम सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए आधी कटोरी ऑयल में मैंने एक बल्ब लहसुन के टुकड़े डाले हैं, या फिर लगभग 15 किलो। 2-3 लाल मिर्चे टुकड़े करके डालेंगे उसमें। अब डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। ये सॉस घर पे बहुत ही टेस्टी बनती है और आसानी से बन जाती है। अब डाल देंगे उसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। सॉस की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने नमक डाला है। इसको पकाएंगे ढककर। चलिए तब तक सब्जियों को काट लेते हैं। मैंने बेल पेपर्स लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को खाना है तो कलरफुल डिश बहुत अच्छी दिखती है। मैंने रेड बेल पेपर लिया है यहाँ पे, आधा आधा लूंगी मैं येलो बेल पेपर। लंबे लंबे पतले स्लिट्स लगाने उसके ऊपर, बनाने हैं टुकड़े उसके लंबे लंबे पतले पतले। आधी कैप्सिकम भी मैंने यहाँ पे ली है। चलिए स्पैगेटी चेक करते हैं हमारी पकी है या नहीं। और ये परफेक्ट कुक हो चुकी है, इसको 80% ही कुक करना है। चलिए निकाल लेते हैं एक छन्नी में, लेकिन पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसका पानी हम यूज़ करेंगे स्पैगेटी बनाते वक्त। अब इसको मैंने निकाल लिया है सीव में, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, मिक्सी में पीसेंगे इसको। चलिए पैन में मैंने आधा कटोरी तेल लिया है, गरम हो चुका है तेल, डाल दिया। 1 कटा हुआ प्याज, प्याज मीडियम साइज़ की लेनी है। डाल देंगे बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड कैप्सिकम। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा सा पकाना होगा, ढककर पकाएंगे। चलिए 5 मिनट में ये सब्जियां भी हमारी अब कुक हो चुकी हैं। डाल देंगे उसमें सॉस, जो टमाटर हमने पकाए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करनी है, दरदरी पेस्ट की है मैंने यहाँ पे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तल लेंगे थोड़ी देर, ताकि अगर टमाटर थोड़े से भी कच्चे हुए तो पक जाए। डाल दूंगी मैं ओरेगानो 1 टीस्पून, बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है इसका। डाल दूंगी बेसिल लीव्स 1 टीस्पून। यहाँ पे आप मिक्स हर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अब डाल दिया है मैंने चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अब डाल दूंगी मैं नमक, थोड़ा सा ही डाला है नमक। अब डाल देंगे स्पेगेटी, स्पेगेटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला बनाया है हमने वो कोट हो जाए। अच्छे से कोट करना है उसको, इसलिए अच्छे से मिक्स कर लें। और बढ़िया से खुशबू फैली हुई है पूरे घर में, बहुत ही बढ़िया बनती है स्पेगेटी। अब डाल दूंगी आधा कटोरी स्पेगेटी वाटर, जिसमें मैंने बॉईल की थी स्पेगेटी, उसको डाल दिया है मैंने। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बन भी जाती है फटाफट, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद डाल दूंगी मैं प्रोसेस चीज़ और मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़ घर की बनी हुई है, इसलिए मैं टुकड़ों में डाली है। और इसका अगर रेसिपी आपको देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे, और चीज़ को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए, तो निकालेंगे हम डिश में। डिश में मैंने स्पेगेटी सर्व कर दिए, ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे हम, और ये बढ़िया सी स्पेगेटी तैयार हो चुकी है खाने के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, है ना ये आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।